रिश्ता बहुत खूबसूरत शब्द है और रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है तब जब उसमें छल कपट ना हो, जब उसमें दिखावा ना हो, जब उसमें अपनापन हो, ढेर सारा अपनापन, इतना अपनापन कि कभी कुछ मनमुटाव भी हो जाए तो भी रिश्तों में फ़र्क ना पड़े, सिर्फ नाराज़गी थोड़े देर की हो और इसके बाद फिर वापस उसी रिश्ते में ढल जाओ। जब ऐसा रिश्ता बनता है तो इससे पवित्र रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। मुझे पता है अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो, मुझे इतना प्यार करते हो, तो कोई खास वजह होगी मुझे इतना प्यार करने के लिए। शायद तुमने हमारे रिश्ते में एक पवित्रता देखी होगी, शायद तुमने मुझ में कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसा जाना होगा जिसकी वजह से तुम्हें लगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पवित्र है, बहुत अनोखा है, बहुत अनमोल है और इसको तोला नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें छल कपट नहीं है, इसमें द्वेष भावना नहीं है, सिर्फ अपनापन है। इतना अपनापन कि जिसमें कहीं कोई द्वेष नहीं निकाल सकता, कहीं कोई गिले शिकवे नहीं है। ठीक उसी तरह अपने उन रिश्तों में भी कुछ खास देखो जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जिन्हें तुम्हारे हंसने रोने से फ़र्क पड़ता है और जो तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। हमेशा कद्र करते रहना उन रिश्तों की, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं और उन्हें बिना शर्त प्यार करते हैं। बिना शर्त प्यार करने वाले जब लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं और तुम्हें मिलते हैं तो इससे कीमती और कुछ हो ही नहीं सकता, और इससे बड़ी दौलत भी कोई और नहीं हो सकती। जो तुम्हें मिला है वो हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, वो हर किसी के नसीब की बात नहीं होती है। तो जब तुम्हें मिला है तो कद्र करो, इतनी कद्र करो कि उस इंसान को भी ये लगने लग जाए कि हाँ, तुमसे ज़्यादा अनोखा और कोई है ही नहीं। खुश रहो और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।